फंडामेंटल्स टटोले थे, अच्छे लग रहे थे, क्या रीजन था? सर अपने हिसाब से चूज किया था। ट्रेडिंग करी थी क्या या लंबी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए। भाई माना साधा हो गया है, लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, मामला बहुत फंस गया है और आजकल इसकी चर्चा होती नहीं है, दिक्कतों में आ गई थी कंपनी बीच में, क्या करना चाहिए? देखिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली नेगेटिव है। नेगेटिव से ज्यादा सही वर्ड है कि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है स्टॉक में। नेगेटिव आप नहीं बोलेंगे लेकिन स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अब स्टॉक में। तो नॉर्मली हम स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करना वो बेहतर स्ट्रेटेजी मानते हैं, क्योंकि जब मार्केट चल रहा हो और वो स्टॉक ना चल रहा हो तो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन जाता है। मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, आपको छोटा मोटा लॉस हो, जिस लॉस को बेयर करने में आप कंफर्ट फील करें, वहां पर स्टॉक से बिल्कुल निकलिए। बहुत बड़ी गिरावट करंट लेवल से नहीं देखने को मिलेगी लेकिन कोई बहुत बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब कोई बाउंस बैक देखने को मिले और आपको लगे कि नहीं ये लॉस आप बेयर कर सकते हैं, उस लॉस को बेयर करके स्टॉक से निकल जाएं। और इसी क्षेत्र में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो कोई सेकंड ओपिनियन आई थिंक नहीं होगा। टाइटन से अच्छा बेहतर स्टॉक निवेश के नजरिए से तो बिल्कुल भी नहीं है। आज भी इतना बढ़ने के बाद भी स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं और अगर आप 1 से 1.5 साल का समय देंगे तो शायद आपको यहाँ पर 20-25% के रिटर्न्स करंट लेवल से भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय यही रहेगी कि उछाल मिले तो स्टॉक्स वो अपने स्टॉक से निकले और टाइटन में निवेश करें। इक्विटीज कहते हैं लंबी अवधि के लिए होती हैं, लंबा रुकेंगे तो कमा के जरूर देंगी मेरे ख्याल से।